शहर के शिवमूर्ति बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते विक्की शूज नाम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दरअसल आपको बता दें, शामली के शिवमूर्ति विक्की शूज के नाम से जूतों का एक बड़ा शोरूम है। गुरुवार की देर शाम अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम और शामली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शोरूम के मालिक ने बताया कि संभावित है कि देर शाम तेज आंधी के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि आग को बुझाने के प्रयास में वो और उनके शोरूम पर काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ भी झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और घंटों की मशक्कत के बाद शोरूम में लगी भीषण आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। अच्छा कमल जी, जो आपकी दुकान में शॉप में आग लगी, क्या पूरा मामला? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जैसे आंधी वगैरह चली उसकी वजह से, कोई स्पार्क वगैरह होगी तार वगैरह जी, उसकी वजह से आग लग गई दुकान में। अच्छा कितना नुकसान है? लाखों रुपए का नुकसान है। आपका हाथ भी जल गया? कितने लोगों के हाथ जले बुझाने में आग? दुकान के कर्मचारी 2-3 उनके हाथ जले हैं और उन्हीं के जले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।